मैं 1988 या 89 में कश्मीर घूमने गई थी। उस साल के अंत तक घाटी में हिंसा शुरू हो चुकी थी। तब कुछ दिन डल झील में एक हाउस बोट में बिताए थे। हाउस बोट में समीम नाम का एक लड़का काम करता था। सर्दियों के दिन थे, तब ठंड से बचने के लिए समीम फिरन के अंदर छोटी अंगीठी कांगड़ी लेकर चलता था। बख्शीश मिलने से समीम खूब खुश होता था। तब मैंने समीम जैसे कई कश्मीरी युवकों को देखा जो गरीबी में डूबे हुए थे। कश्मीर में प्राकृतिक सुंदरता थी, लेकिन अधिकतर घरों, दुकानों और रास्तों पर मलिनता देखी। हर तरफ सुंदर लड़कियों के चेहरे थे, लेकिन उनके चेहरों से मुस्कान गायब दिखती। माहौल में अशांति की गंध बढ़ रही थी। कश्मीर में अनगिनत धर्म, वर्ण और जाति के लोग देश देशांतर से आए और बसे। 5वीं शताब्दी में कश्मीर पहले हिंदू धर्म फिर बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यहीं से बौद्ध धर्म लद्दाख होते हुए चीन पहुंचा। 9वीं शताब्दी में यहां से दूर दूर तक शैववाद का विस्तार हुआ। 11वीं व 15वीं शताब्दी के बीच कश्मीर में इस्लाम का प्रभाव बढ़ा। हालांकि उससे पुराने धर्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि पुराने धर्मों ने नवीन इस्लाम के साथ समन्वय स्थापित किया। कई लोगों को मानना है कि कश्मीरी सूफीवाद का उद्भव इसी समन्वय का नतीजा था। आज कश्मीर का एक हिस्सा भारत के पास, एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में, जबकि बाकी हिस्सा चीन के कब्जे में है। कश्मीर के लिए जो छीना झपटी शुरू हुई वह आज तक खत्म नहीं हुई। सर्वधर्म मिलन स्थल होने के बावजूद कश्मीर में 1990 में मुसलमानों ने सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम किया, लाखों को भगा दिया। मुसलमान अब कश्मीर में अकेले रहना चाहते हैं। क्या कश्मीर कभी अकेले मुसलमानों का रहा है? इस साल अमरनाथ तीर्थ यात्रा को सरकार ने अचानक स्थगित करने की घोषणा कर दी और फिर कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया। देश बंटवारे के बाद भारतीय हिस्से वाले कश्मीर को मिले कुछ विशेषाधिकारों को हटाकर कश्मीर को पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया गया। अनुच्छेद 370 अस्थाई था, लेकिन यह अस्थाई व्यवस्था 70 साल तक टिक गई। इस बीच यहां पाकिस्तान से आतंकियों का आना जारी रहा। वे अलगाववादी युवाओं के दिमाग में भारत विरोध का विचार भरते रहे और उन्हें आतंकी बनाते रहे। अब तो कश्मीर में ही आतंकी पैदा हो रहे हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में कश्मीरी युवक का ही हाथ था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद मोदी सरकार की लोकप्रियता फिलहाल शिखर पर है, किंतु कश्मीर के मुसलमान इससे चिंतित हैं कि अब कश्मीर कश्मीरी मुसलमानों का नहीं रहेगा। कश्मीर को भारत में मिलाने के फैसले के बाद मानवाधिकारों के लिए
संघर्षरत लोग बहुत नाराज हैं।